लगातार जारी है। सांसद संजय राउत अपनी बात रख रहे हैं। शिवसेना से सांसद हैं संजय राउत और पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता भी हैं और महाराष्ट्र सियासी जो राजनीतिक घटनाक्रम यहां पर हो रहा है इस पर लगातार टिप्पणी भी वो कर रहे हैं। अपनी बात रखते हुए संजय राउत, छोड़ गए हैं ना तो अपने बाप का नाम दे दो, सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बालासाहेब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। जे बाहेर फुटले जाऊन गेले त्यांची शिवसेना असू शकत नाही, जनता ठरवेल। तुमच्यामध्ये धमक आहे ना, तुम्ही आपल्या आमदारकीचे राजीनामे द्या। मी नारायण राणेंना मानतो, त्यांच्याबरोबर जे लोक गेले ठीक आहे, त्यांचा गट लहान होता, त्यांनी राजीनामे दिले, ते निवडणुकीला सामोरे गेले, निवडणुकांना सामोरे जा। मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिराव शिंदे यांचे लोक फुटले 22, राजीनामा दिला, निवडणुकीत सामोरे गेले, जिंकून आले, त्यांनी सरकार बनवलं। तुमच्यामध्ये जर हिंमत असेल तर तुम्ही राजीनामे द्यायचे, किती असू द्या, 54 असू द्या, राजीनामे द्यायचे आणि आपापल्या मतदारसंघात जाऊन निवडणुका लढवण्याची हिंमत दाखवा। हे माझं ओपन चॅलेंज आहे, बरं का? तुम्ही तिथे गुवाहाटीला बसून इथे आम्हाला अक्कल शिकवणार निष्ठेच्या, शिवसेनेच्या, हिंदुत्वाच्या? हां, तिथे आसाममध्ये पूर आला आहे, रॅडिशन हॉटेलच्या बाहेर एवढा पूर आहे, पूर आला आहे, इतना बाढ आहे रॅडिशनच्या बाहेर भी, मुर्दे तैर रहे वहां, और लोग ऊपर बैठकर पार्टियां चल रही है सब। हाँ, ये बीजेपी वाले उनको स्पॉन्सर कर रही है पार्टियां, क्या है आपको सब जो वीडियो सामने आ रहे हैं ना, आप देख लीजिए क्या हो रहा है उधर। सर, आप लोगों को भरोसा अभी भी सरकार आप लोग बचा लेंगे? डेफिनेटली। तो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए संजय।